What are the implications of Indian dams? India is to build about 135 big or small dams, 24 on the Indus, 77 on Jhelum, and 34 on the Chenab. So with these dams, automatically they are going to tap Pakistani waters. And India's mad rush for hydro projects on Chenab, the Jhelum, and Indus Basin is likely to destroy the river's ecological system within India and beyond. So automatically the life, around this area, it is going to, it is going to face environmental disaster in future. So the Baglihar hydroelectric project is becoming a source of concern in Doda region. So this is the first implication which we have seen in modern times. Baglihar dam, which is coming as zikr bhi kiya. Ho kya raha hai ke, the rising water in Chenab is seeping under the hills and turning soil into loose ground. Jiski wajah se wo pahad gir gir ke aage aa raha hai. And the locality, that area, is facing serious troubles. Or, the mountains are encroaching. The locals fear plans to expand the project to 900 megawatts could spell disaster for the region. So India's are, planning to take this, increase the capacity of this particular dam. Aur isko expand karne ja rahe hain. Jiski wajah se, automatically, uska jo pahad hai, wo toot ke aage aata rahega. As it might accelerate erosion, which is taking place, The 60-kilometer Batota-Doda stretch, the only road connecting the region with the world. Ye jo 60-kilometer jo road hai, ye seriously iske upar impact ho raha hai. For example, let me show you the location and, then the dam. This is the Baglihar Dam, as you can see in the map. Aur aage jo Doda road hai niche, as you can see, स्लोली जो पानी है वो सीप करके जो जितना भी ये एरिया है इसको पहाड़ को वो इरोजन कर रहा है उसकी ना और वो गिर गिर के आगे आ रहा है उसको आपने देखा होगा लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत सारी हमारे एरियाज में भी होती हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे जो हो रही है कश्मीर के अंदर दिस इज बिकॉज ऑफ द बागलिहार डैम और जिसकी वजह से जो वाटर सीपेज है इट इज गोइंग अंडर द माउंटेन्स और उसकी वजह से जो रोड है वो सफर कर रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली और दिस इज द ओनली रोड विच हैज कनेक्टेड दिस रीजन टू द वर्ल्ड और ये सबसे पहले इसके इम्प्लीकेशंस है कि ये रोड जो है वो तबाह हो जाएगा और ये रीजन काट हो जाएगा बिल्कुल उसके अलावा द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ किशन गंगा डैम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलओसी इज बीइंग डिबेटेड अ लॉट फॉर एग्जांपल किशन गंगा डैम जो बन रहा है वो हमारी तरफ जो नीलम वैली है उसको और दूसरी तरफ जो है गुरेज वैली इनायच के इंडियन साइड पे वहां पे जो उसके इम्पैक्ट पड़ेगा ऑटोमेटिकली वहां पे जो लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब होगी द किशन गंगा प्रोजेक्ट व्हेन कंप्लीटेड विल सबमर्ज मेनी पार्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल गुरेज वैली इन द आईएचके उस तरफ जो है ठीक है एंड दे आर गोइंग टू डिस्प्लेस मोर देन 25,000 डार्ड शिन पीपल दे आर लोकल पीपल एंड दे हैव बीन लिविंग देयर हिस्टोरिकली और बहुत अरसे से वहां पे रह रहे हैं कई हजार सालों से तो ये जो लोग हैं इनको भी डिस्प्लेस करना पड़ जाएगा एक सिविलाइजेशन चलती आ रही है पुरानी जितना हमारे पास है ना ये आपने देखा होगा ये चित्राल साइड पे कैलाश वैली के जैसे लोग हैं इसी तरह की ये एक सिविलाइजेशन है वहां पे लोग रह रहे हैं सदियों से और जब ये डैम बनेगा तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डिस्प्लेस दीज पीपल सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है इसके उसके अलावा इसके सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हैं सो इट इज गोइंग टू सीरियसली इम्पैक्ट द गुरेज वैली इन आईएचके एंड नीलम वैली ऑन द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान हमारी साइड पे जो ना ये ताओबाट वगैरह और ये जितना भी नीलम के एरियाज है ना सारे ये इसको लगते हैं रीसेंट कंट्रोवर्सीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिसेंटली पाकिस्तान हैव टेकन इशू एट हायर लेवल एंड पाकिस्तान इज नाउ इन इन डिस्कशन विद इंडिया ओवर रातले 850 मेगावाट प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट पाकडल and Miar, which is 120 megawatt and 48 megawatt lower Kalnai hydro projects. Now these projects are taking place in IHK and such projects would definitely seriously impact Pakistan. Iske alawa, there are Indians are also coming up with many other projects on the Chenab River, which is obviously a western river given to Pakistan. और जिसकी वजह से यहाँ पे जो बहुत सारे मैंने इसमें आपको बता दिए हैं आप देख रहे होंगे ये जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ये करने जा रहे हैं इसकी वजह से जो चिनाब का पानी है
उसको इंडिया कभी भी बिल्कुल अभी भी अगर आप देखें फ्लो चनाब का बिल्कुल खत्म हो चुका है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर यू नो टैपिंग दीज वाटर्स और उसको वो रोक रहे हैं उसको प्रोजेक्ट्स बना के. इंडिया इज कंस्ट्रक्ट दे आर कमिंग अप ऑन द रिवर जेलम, उसके ऊपर भी बहुत सारे डैम्स बना रहे हैं, तकरीबन बना भी लिए हैं तकरीबन 13 के करीब दे हैव ऑलरेडी बिल्ड. इसके अंदर उड़ी 1 उड़ी 2 विच हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अबाउट 480 यू नो मेगावाट, देन लोअर जेहलम 105 मेगावाट एंड अपर सिंध फेज 2. सो दे आर कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ यू नो डैम्स ऑन द रिवर जेहलम. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. The other 12 projects range in capacity between 15 megawatt to 84 megawatt. तो छोटे छोटे करके ये लोग run of the river dams बनाते जा रहे हैं. मसला क्या है, run of the river dam में भी storage करनी पड़ती है और उसमें आपको पता है Indus Water Treaty के अंदर बात ये बता दी गई है कि 3. कुछ something 6 था मेरे ख्याल से 3.6 mega million acre feet water you can store. So, आप सोचें कि अगर 135 के करीब ये जो डैम्स बनाने जा रहे हैं तमाम रिवर्स के ऊपर जो पाकिस्तानी रिवर्स हैं, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कई हजार मिलियन एकड़ फीट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ऑटोमेटिकली दे आर बेसिकली यू नो मैनिपुलेटिंग द लैकुना इन द इंडस वाटर ट्रीटी जिसके अंदर उन्होंने अलाउ किया इंडिया को सो यू कैन स्टोर वाटर फॉर यू नो 3.7 मिलियन एकड़ फीट जितना भी है 6 है या 3.7 है. So in such a situation, I think they are doing very bad thing and it is going to impact on Pakistan severely in coming years. Chenab mein maine bata diya, Jhelum bata diya, uske baad Indus River jo hai Pakistan ka, uske upar bhi they are coming up with 9 hydel projects, jiske andar bahut sare projects hain unko bana rahe hain. Aur Pakistan have taken these issues aur uske upar Pakistan ne isko kaha bhi hai ki aap ye galat kar rahe hain aur isko upar hum baat chit kar rahe hain. So automatically Pakistan is you know heavily dependent on this river system aur jitne bhi ye sare aa rahe hain wahan se Indus river hai Jhelum hai Chenab hai ye pehle teen jo hain inke ye inke upar Pakistan heavily depend kar raha hai aur agar inke upar India dams banayega automatically so it is going to impact on Pakistan. Iske alawa jo India bahut sare aur dams bhi bana raha hai jaise ki Buller Barrage hai jiska maine aapko bataya tha ki they are going to convert aur usko change karne ja rahe hain uski direction ko. और बागलीहार डैम वाज अनदर डैम और इसके ऊपर काफी हम लेकर भी गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और वी यू नो ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू. किशनगंगा डैम इज आल्सो इन द आईएचके जिसको मैंने आपके आपसे जिक्र भी किया इसके बारे में. द टोटल डिस्टेंस बाय विच द रिवर विल बी डाइवर्टेड इज 100 किलोमीटर. तो ये क्या कर रहे थे, दे वर डाइवर्टिंग द रिवर और मैंने आपको एक क्लॉज बताई थी इंडस वाटर ट्रीटी में जिसके अंदर साफ बताया गया था कि यू आर नॉट गोइंग टू यू नो चेंज द चैनल ऑफ द वाटर. जो नेचुरल चैनल चैनल आ रहा है ना पानी का उसके ऊपर कहा गया कि आप चेंज नहीं करेंगे. सो बट द इन किशनगंगा डैम द इंडियंस दे ट्राई टू डू इट और इसको भी हमने हाईलाइट किया वर्ल्ड बैंक के अंदर और बाकी एरियाज. तो इसके ऊपर भी हमने काफी ज्यादा इसको कहा कि जी आप गलत कर रहे हैं एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो डिसीजन दिया इसके ऊपर वो यही था कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बारेड इंडिया फ्रॉम एनी परमानेंट वर्क्स ऑन द कंट्रोवर्शियल किशनगंगा डैम. सो ऑब्वियसली दिस वाज अगेंस्ट यू नो इंडस वाटर ट्रीटी. तो इसके ऊपर एक डिसीजन आ गया इनका और बागलीहार का जो डिजाइन था उसको भी हमने शॉर्ट करवाया. सो दैट वाज अनदर यू नो इम्पोर्टेंट इशू. इसके अलावा रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो था इसके ऊपर भी हमने इंडिया से बातचीत कर रहे हैं एंड और इसकी भी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 850 मेगावाट है. तो होपफुली इंडिया ने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर लिया था बट इट्स करंट स्टेटस इज यू नो अननोन. उसके अलावा ये छोटे मोटे और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया कर रहा है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स उड़ी 1 उड़ी 2 ये सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर टैपिंग पाकिस्तानी वाटर्स इन अ ग्रेट कैपेसिटी. ये वो सारे डैम्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो विच आर टेकिंग प्लेस इन यू नो आईएचके और दिस इज द रीजन दैट दे आर नॉट यू नो दे आर सीरियसली परसुइंग द कश्मीरी कॉज और उसको वो छोड़ नहीं रहे अब, ठीक है, और कश्मीर को पकड़ के रखा हुआ. ये सारे मैंने प्रोजेक्ट्स आपको कुछ बता दिए. आपको जरूरी नहीं है कि इन सबको आप मेमोराइज करें, आप एक छोटा सा चार्ट सा बना लें स्मार्ट आर्ट सा और उसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप डाल सकते हैं इसके अंदर. जैसे बागलीहार 2 है,
या बाकी कलनाई है या फिर और हैं छोटे मोटे, या स्पेशली वो जो पंजाब पाकिस्तानी रिवर्स के ऊपर है, ठीक है, चनाब के ऊपर है, झेलम के ऊपर है, ठीक है, या दूसरे जो है इंडस के ऊपर है। सो उन प्रोजेक्ट्स को आप उसमें डाल के आप बता सकते हैं कि, तो जरूरी नहीं सारे आपको याद हो, देर आर यू नो मेनी प्रोजेक्ट्स जो टॉप के हैं उनको आप ले लें, स्पेशली पाकिस्तान, और एक स्मार्ट आर्ट्स ही आप बना लें, छोटी सी बड़ी मजे की बन सकती है, जिसमें आप पाकिस्तानी रिवर्स लिख दें, वेस्टर्न रिवर्स, चनाब है, ठीक है, झेलम है, और उसके बाद इंडस है, ठीक है, और उसके उन तीनों के नीचे आप दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप डाल दें, और उसी को पेपर के अंदर आपने फिर लिख देना ऐसे ही। तो इट इज गोइंग टू हैव यू नो ग्रेट इम्पैक्ट, और वो बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपकी राइटिंग के ऊपर। सो इन अ नटशेल, इफ ऑल द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर इन पाइपलाइन गेट कंप्लीटेड, देन इट वुड सर्टनली अफेक्ट द फ्लो ऑफ वेस्टर्न रिवर्स ऑब्वियसली, and especially the Chenab and the Jhelum, and would badly hit Pakistan's agricultural economy. So Pakistan is going to face serious challenges. इन्होंने एक छोटा सा काम किया कि इन्होंने बागलीहार का जो पानी मैंने आपको बताया था ना, तो उसमें जब स्टोरेज इन्होंने की तो हमें सर्दियों में पानी कम मिला, जिसकी वजह से वी फेस्ड अबाउट $300 मिलियन ऑफ लॉसेस। आप इमेजिन करें कि एक डैम के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की और हमारे साथ ये हुआ। अगर वो तमाम के अंदर जितने भी वो प्लान्स कर रहे हैं, अगर इनको इफ दे मटेरियलाइज इट, सो ऑटोमेटिकली दे कैन टैप पाकिस्तानी बॉर्डर, और जब दिल करेगा उसको बंद कर देंगे, जब दिल करेगा उसको पानी को ज्यादा छोड़ दें। इन बोथ कंडीशंस पाकिस्तान वुड फेस सीरियस सीरियस थ्रेट्स। और मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर रेड लाइन है, चार रेड लाइन हमने डिस्कस की थी, उनमें से एक रेड लाइन क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन। If India tries to strangulate economically Pakistan, so Pakistan would use nuclear weapon. So basically, ये जो इंडिया के जो स्टेप्स हैं, they are, taking Pakistan towards the wall, और slowly and gradually Pakistan जो है वो it may react, और जब वो react करेगा तो automatically ये limited conflict से full fledged war हो सकती है, और full fledged war से nuclear तक जा सकती है। So such issues are